हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्बिन एंड अली की मेगा अपडेट के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। क्या अली जीतेंगे यूएस चैंपियनशिप और क्या बैरन कॉर्बिन जीतेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, इम्पैक्ट रेसलिंग काफी कोशिश कर रहा है कि उनके शो को अटेंशन मिले और इसलिए वो और ज्यादा रेसलर्स ऐड कर रहे हैं उनके रोस्टर में। इम्पैक्ट रेसलिंग ने दोस्तों साइन कर लिया है फॉर्मर WWE क्रूजरवेट चैंपियन TJP को। दोस्तों, TJP बैकस्टेज थे ड्यूरिंग द इम्पैक्ट टेपिंग एंड देन उनकी मैच हुई अगेंस्ट ऑस्टिन एस। TJP को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला फ्रॉम द क्राउड और उन्होंने वो मैच भी जीत लिया। तो ये काफी अच्छी स्टार्ट है TJP के लिए फिर से इम्पैक्ट रेसलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं शिंसुके नाकामुरा के बारे में। दोस्तों, नाकामुरा काफी हाइप लेके आए थे NXT से मेन रोस्टर पर, जैसे हर कोई NXT का रेसलर आता है मेन रोस्टर पर, बट एज यूजुअल वो फेल हो गए। नाकामुरा को काफी अच्छा पुश भी दिया, इवन सो कॉल्ड ड्रीम मैच भी दी, पर वो बस हाइप के अलावा कुछ नहीं था। अब उन्होंने रिवील किया है कि वो कब रिटायरमेंट लेंगे। उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया स्ट्रेट टाइम से और उन्होंने कहा कि मुझे रेसल करना है एटलीस्ट 5 साल और, मैं अभी 39 ईयर्स का हूँ और एक बेसबॉल प्लेयर इशिरो सुजुकी रिटायर हुए एट द एज ऑफ 45 और वो एक काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है जैपनीज स्पोर्ट्समैन के लिए, इसलिए मैं भी रिटायर होना चाहता हूँ एट द एज ऑफ 45। तो दोस्तों, ये था कहना नाकामुरा का ऑन हिज रिटायरमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं बैरन कॉर्बिन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बैरन कॉर्बिन वर्सेस सेथ रॉलिंस की मैच होने वाली है फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट सुपर शोडाउन। प्लस इस मैच में ब्रॉक लेसनर का कैश इन भी हो सकता है, जिसके चांसेस 55% है, जैसे मैंने मेरी पिछली वीडियो में कहा था। काफी ज्यादा चांसेस है कि सेथ रॉलिंस रिटेन करेंगे अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगेंस्ट बैरन कॉर्बिन। पर जैसे कि आपको पता है कि सेथ रॉलिंस ट्रिपल एच के काफी फेवरेट है और इसलिए वो उन्हें कमजोर नहीं दिखाएंगे बाय ब्रॉक लेसनर कैश इन। इसलिए दोस्तों, हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर के कैश इन से बचने के लिए बैरन कॉर्बिन ये मैच जीत जाए और बन जाए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन और बैरन कॉर्बिन पर ब्रॉक लेसनर अपना मनी इन द बैंक कैश इन करे और फिर वो बन जाए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। इसे ब्रॉक लेसनर को ज्यादा हीट भी नहीं मिलेगी और फैंस हैप्पी भी रहेंगे। तो फिर दोस्तों, हमें देखना होगा कि विंस कैसी बुकिंग करते हैं फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच। नेक्स्ट बात करते हैं अली के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि रे मिस्टीरियो ने रॉ में अपना US चैंपियनशिप रिलिंक्विश किया और अब वो टाइटल है समोआ जो के पास। अब दोस्तों, समोआ जो स्केड्यूल नहीं है टू डिफेंड हिज US चैंपियनशिप एट सुपर शोडाउन, इसलिए दोस्तों हो सकता है कि जो 50 मैन बैटल रॉयल है उसमें US चैंपियनशिप ऑन द लाइन हो, मतलब उस बैटल रॉयल के विनर को मिले US चैंपियनशिप, बिकॉज 50 मैन बैटल रॉयल का प्राइस अब तक रिवील नहीं हुआ है। तो फिर दोस्तों, ऐसा अगर होता है तो फिर ये बैटल रॉयल जीतने के 4-5 कंटेंडर्स है और वो है ड्रू मैकइंटायर, द न्यू ब्रे वाइट, इलायस, सिजारो एंड अली। अब जब दोस्तों वाइल्ड कार्ड रूल चल रहा है इन WWE, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि कौन सा चैंपियनशिप किस ब्रांड पर है। इसलिए दोस्तों, विंस मैकमैन प्रोबेबली जिता सकते हैं अली को US चैंपियनशिप एंड इवन ये बैटल रॉयल भी, क्योंकि अभी उनके पास काफी अच्छा मोमेंटम भी है। तो फिर दोस्तों, हमें देखना होगा आखिर क्या होता है एट सुपर शोडाउन। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन में दो चीज़ों के बारे में बताइए। फर्स्ट, आप यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच का रिजल्ट कैसा देखना चाहेंगे एंड सेकंड, क्या आप 50 मैन बैटल रॉयल का प्राइस US चैंपियनशिप को देखना चाहेंगे, प्लस क्या आप अली को जीतता देखना चाहेंगे US चैंपियनशिप। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।